Hey Jezebel. जब से मुझे परफ्यूम स्टोर में नई जॉब मिली है मेरी बहन मुझे जेजेबल कहकर बुलाती है. वो कहती है तुम आजकल प्रोस्टिट्यूट्स जैसी स्मेल करती हो. स्टोर वालों को लगता था कि ये जॉब एक ब्लैक लड़की को देकर उन्होंने बहुत भला काम किया है. मैं पूरे दिन एक काउंटर के पीछे मुस्कुराते हुए खड़ी रहती हूँ, इतना कि मेरे दांतों में दर्द हो जाता है. मेरे काउंटर पर ज्यादातर बूढ़ी औरतें ही आती हैं और वो सब मेरे हाथों की खुशबू लेती हैं. बहुत कम ऐसा होता है जब हमारे काउंटर के आसपास कोई ब्लैक आदमी आता हो, और आता है तो मेरी तरफ बिल्कुल भी गलत नजरों से नहीं देखता. वो चुपचाप वहां से चला जाता है. शायद वो ब्लैक आदमी मुझे बेबस और लाचार बच्ची समझते होंगे जो मुझे एक प्रोस्टिट्यूट बनते हुए नहीं देख सकते. कुछ ब्लैक आदमी ऐसे भी हैं जो काउंटर पर आते हैं सिर्फ मेरी आंखों में देखकर भागने के लिए कि क्या चल रहा है, और वो कभी मेरे हाथों से खुशबू नहीं लेते. ऐसे ब्लैक आदमी परफ्यूम स्प्रे करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और फिर मेरी आंखों में देखते हुए अपने हाथ से उस परफ्यूम की खुशबू लेते हैं. लेकिन वाइट आदमी मेरे हाथों पर परफ्यूम स्प्रे करवाते हैं और फिर करीब से ले जाकर उस परफ्यूम की खुशबू लेते हैं. वो देर तक हाथ पकड़े रहते हैं. कभी कभी तो लगता है कि वो छोड़ेंगे ही नहीं.